हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के शिवपुरी मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपका 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर लास्ट तक का आपका इसमें रहेगा। आपका पहला रिलेशन एंड फंक्शन दोनों को कवर किया है, पार्ट वन है, पार्ट सेकेंड आपको भोजन मिल जाएगा। अभी इस वीडियो में अगर आपने थोड़ा सा भी 12th क्लास का सिलेबस नहीं किया है, यानी फर्स्ट चैप्टर से आपको डर लगता है, तो वो डर खत्म होने जा रहा है, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट से उठाया है। और आज जो है हम इसमें बहुत ही बारीक लेवल से, यानी कि थोड़े निचले लेवल से ऊपर तक चलेंगे, जिसमें कि आपके सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, सेट क्या होता है, पहले जान लें कि सेट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास लेट कोई एक बैग है। क्या है ये? कोई एक बैग है। क्या ये बैग है भाई? अब इस बैग में आपको क्या मिलना है कि नंबर मिल रहा है कुछ 1 2 3 4 5। तो अब इस तरीके से डॉट 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 इसमें बहुत सारे नंबर हो चुके हैं। अब मान लीजिए आपने कहा कि सर ये नंबर हो गए बहुत सारे, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि ये नंबर है, तो नंबरों का कलेक्शन मैंने इसे कह दिया है। क्या कह दिया है? कलेक्शन। क्या कह दिया? कलेक्शन। यानी कि ये जो है नंबर है वो क्या है? कलेक्शन हो गया। किसका? नंबरों का कलेक्शन हो गया। जब नंबरों का कलेक्शन हो जाए, यानी किसी कलेक्शन के ऊपर अगर हम वेल डिफाइंड कंडीशन लगा दें, क्या लगा दें? वेल डिफाइंड कंडीशन लगा दें जो कि पहले से डिफाइंड हो, यानी कि आराम से किसी भी कंडीशन को एज्यूम कर ले, तो वो होगा वेल डिफाइंड कंडीशन। और जैसे ही वेल डिफाइंड कंडीशन लगती है तो वो सेट हो जाए। क्या हो जाएगा ये बैग? क्या कहलाएगा? एक सेट कहलाएगा। किसका? नंबरों का सेट। जैसे लाइक दैट, मान लीजिए कि आपके पास एक कोई ही रूम है जिसमें आपने कहा कि सर इसमें प्लेयर हैं। क्या है? प्लेयर है, बहुत सारे प्लेयर हैं। तो क्या ये एक सेट होगा? मैं कहूंगा नहीं, ये एक सेट नहीं होगा। क्या होगा? ये कलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेक्शन हो जाएगा। किसका? प्लेयर्स का। ठीक है, किसका कलेक्शन हो जाएगा? प्लेयर का कलेक्शन हो जाएगा, न कि ये आपका सेट होगा। अब सेट कब बनेगा? मेरे कहने पर बनेगा सेट। देखिए कैसे, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक वेल डिफाइंड कंडीशन लगाने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए क्रिकेट टीम के प्लेयरों का समूह, तो मैंने कहा क्रिकेट टीम टीम के प्लेयर। ओके, क्रिकेट टीम के प्लेयर। तो अब जब हमने कहा कि क्रिकेट टीम के प्लेयर, तो आप समझ लीजिए कि क्रिकेट टीम के जो प्लेयर होंगे, है ना, क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं, प्लेयर कितने होते हैं क्रिकेट टीम में भाई? सबको पता है 11 प्लेयर होते हैं, 11 ही एक बार में खेलते हैं। तो 11 प्लेयर होंगे, तो वो हो गई एक कंडीशन। क्या हो गई? कंडीशन। कैसी कंडीशन? वेल डिफाइंड कंडीशन, वेल डिफाइंड जो कि हमें डिफाइंड है किसके प्लेयर हैं, क्रिकेट टीम के हैं, और कितने हैं? 11 हैं। तो ये होगा आपका सेट, यानी कि ऐसी कंडीशन जो वेल डिफाइंड हो उसे हम कहेंगे सेट। अब ध्यान दीजिए, सेट को जो है हम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। लाइक मान लीजिए, जैसे मैंने कहा क्रिकेट सेट, क्रिकेट के प्लेयरों का एक सेट, तो उसे हम कहेंगे मान लीजिए ए। तो ए में जो क्रिकेट के प्लेयर होंगे उन्हें कहेंगे ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, ये 11 प्लेयर होंगे। तो यहाँ 11 तक आप लिख लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, ये रहेगा आपका एक सेट। तो ये सेट की कंडीशन होती है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी कलेक्शन के ऊपर अगर कोई वेल डिफाइंड कंडीशन लगी होती है तो उसे हम सेट कहते हैं। ठीक है, अब सेट्स की बात कर लेते हैं, सेट्स की टाइप की बात कर लेते हैं। देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स होते हैं, ये आपको बता दूं। पहला होता है नल सेट। नल सेट की बात करूं तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। ये होता है, इसे फाई से नोट करते हैं। क्या? इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंगलेटन सेट की। सिंगलेटन सेट क्या होता है? सिंगलेटन सेट में केवल एक ही एलिमेंट होता है। क्या होता है? एक ही एलिमेंट होता है और कोई एलिमेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट की। तो देखें, फाइनाइट सेट वो होते हैं, फाइनाइट सेट जो होते हैं जिनके एलिमेंट काउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। ठीक है, इनके एलिमेंट काउंटेबल होते हैं। और इनफाइनाइट वो होते हैं जिनके एलिमेंट काउंटेबल नहीं होते। ठीक है, क्या? काउंटेबल नहीं होते, काउंटेबल नहीं होते। ठीक है, नोट।
तो दो तरीके के हैं क्या, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट वो होंगे जिन्हें हम काउंट कर, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे 11 प्लेयरों का समूह था तो 11 प्लेयर में क्या है प्लेयर कितने थे 11, इन्हें हम काउंट कर सकते थे। अब हमें कह दूं कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी गायों का समुच्चय, यानी पृथ्वी पर उपस्थित सभी गाय तो नहीं काउंट कर सकते, गाय तो है पर काउंट नहीं कर सकते, तो वो इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, तो ये थे फाइनाइट और इनफाइनाइट। इक्वल सेट यानी कोई दो सेट हैं ए एंड बी, ए और बी, ए और बी के जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं इक्वल है। ठीक है, ए और बी के जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं इक्वल है। अब कहेंगे एलिमेंट क्या होता है तो मैं बता देता हूं, ए इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास सेट है ए बी सी, तो जो ए के अंदर जो है ये दिख रहा है ए बी सी यानी प्लेयरों का समूह था, तो प्लेयर जो थे वो एलिमेंट थे, क्या थे एलिमेंट थे। क्लियर, तो इस तरीके से डिसजॉइंट क्या होता है, देखिए डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि दो सेट हैं आपके और यहाँ पर क्या था दोनों सेट कैसे थे बराबर थे, मगर ए और बी में कोई भी एलिमेंट इक्वल क्या दिखना भी नहीं चाहिए, समान भी नहीं हो, कैसा भी नहीं हो, दोनों सेट मिलने नहीं चाहिए, इक्वल तो होंगे ही होंगे नहीं, सबसेट भी ना हो, किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता हो, यानी कि ये प्लेयरों का समूह है तो ये एक जानवरों का समूह है, तो प्लेयर और जानवरों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो उसे कहते हैं हम डिसजॉइंट। क्या कहते हैं डिसजॉइंट। सबसेट का मीन समझ लीजिए, सबसेट क्या होता है, सबसेट का मीन ये है कि कोई एक सेट के एलिमेंट बी में बिलोंग कर जाए, ये सबसेट का साइन है भाई, ये सबसेट का साइन है। मान लीजिए आपके पास बी कोई एलिमेंट है, यानी ए आपके पास है 1 2 3 और बी आपके पास है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 इसमें अंदर है, 1 2 3 है, यानी 1 2 3 अगर हम देखें ए सेट के एलिमेंट बी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट है किसका बी का। ओके, तो ये सबसेट का साइन है। सबसेट का मतलब ये होता है कि कोई किसी एक एक सेट के एलिमेंट बी सेट में नोट हो जाए, यानी दिख जाए अंदर, तो वो होता है सबसेट। ठीक, अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर छोटे छोटे सारे सेट बिलोंग कर जाते हैं, यानी सबसेट की बात करूं तो उसमें कई, देखिए यहां पर क्या है ए आपका सबसेट है किसका बी का, तो बी रहेगा यूनिवर्सल सेट, बी रहेगा यूनिवर्सल सेट। इसी तरीके से अगर आपके पास दो सेट है या तीन सबसेट है और तीनों उसके जिसके सबसेट बन रहे होंगे वो सेट तो आपका यूनिवर्सल सेट रहने वाला है। समझ लीजिए कि मैंने मैंने कहा कि मेरे पास ए बी सी तीन सेट हैं, ठीक है, और किसी चौथे सेट यानी ई के, ई के ये सबसेट है, तो ई जो रहेगा वो यूनिवर्सल सेट ऐसा रहेगा, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट रहेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए पावर ऑफ सेट की बात है। मान लीजिए आपके पास सेट में, मैंने कहा कि सेट है आपके पास ये 1 2 3, अब आपके पास सेट हो गया क्या ए, अब ए के एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, यानी आपके पास तीन ही एलिमेंट हैं और तीन ही है, या आप एक और सेट ले लीजिए, ये मैं इसको कह देता हूं, इसमें आपने कहा कि 2 4 6, ये तीन एलिमेंट आपके पास क्या है तीन, तो अब आपको बताना है पावर ऑफ सेट। तो पावर ऑफ सेट बताने के लिए आपको करना क्या होगा, पावर ऑफ सेट बताने के लिए करना ये होगा कि ये तीन एलिमेंट है 2n में कन्वर्ट, देखो जैसे कि 2n इसका फॉर्मूला होता है तो n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर 2 3 तो कितना हुआ 8, 8 जो है इसके पावर ऑफ सेट होंगे, यानी कि सबसेट भी कह सकते हैं, 8 जो होने वाले हैं वो इसके सबसेट होंगे, क्या होंगे सबसेट, यानी सबसेट फाउंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें देखिए 1 2 3 तो 3 पावर है इसकी, तो 2 3 तो यानी कि 8 सबसेट इसके भी होंगे। अब आप कहेंगे 8 सबसेट सर हमें करके दिखाइए, तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास ए है ना, तो ए के सबसेट हमें फाइंड आउट करने, तो ए के सबसेट फाइंड आउट करने के लिए देखिए सबसे पहला काम फाई आपका एक सबसेट होता है, क्लियर, दूसरा 1 आपका सबसेट होता है, तीसरा आपके पास 2 भी एक सबसेट है और 3 भी, ठीक है, ये सिंगल हो गए, यानी सिंगलेटन सेट हो गया, फाई सेट भी हो गया। अब आपका करना क्या है, देखें करना ये है कि 1 and 2 एक सबसेट होगा, 2 and 3 एक सबसेट होगा और 3 and 1 ये भी एक सबसेट होगा और एक और होगा 1 2 3, यानी कि तीनों को कॉम्बिनेशन के साथ, तो ये आपके सबसेट होंगे। अब इन्हें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ये 8 जो रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे सबसेट, और इन्हें ही हम पावर ऑफ सेट कहते हैं।
क्या कहते हैं, पावर ऑफ सेट कहते हैं। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट। देखिए यूनियन ऑफ सेट की बात करें तो यूनियन ऑफ सेट का साइन होता है ये, सेट का साइन होता है ये, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो सेट है, कोई एक दो चार छह, ये आपके पास कोई सेट है, और बी आपके पास कोई दूसरा सेट है जिसका है वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये आपके पास कोई बी कोई सेट है। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये समझ लीजिए यूनियन का मीन्स होता है एक साथ लिखना। यूनियन मतलब आप समझ लीजिए कि आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर पुली की जो होती है यूनियन होती है, ऑटो की आप देखेंगे तो ऑटो चालक जो होते हैं उनके भी एक यूनियन होती है। यूनियन का मतलब होता है एक संघ, यानी कि एक साथ लिखना। तो आपके पास जो भी सेट होंगे तो उनकी पोजीशन के हिसाब से उन्हें एक साथ कलेक्ट कर देंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पर आता है वन, तो टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो ये आपकी हुई यूनियन ऑफ सेट, यानी कि एक साथ लिखने को हम यूनियन ऑफ सेट कहते हैं सिंपल सी भाषा में। यानी कि आप कोई भी सेट ले लीजिएगा, जो भी आपके प्लेस वैल्यू पहले आ रही है, यानी कि वन पहले आता है टू से, तो ये तो आपको पता ही होगा, तो वन पहले आता है टू से, तो वन को पहले लिखिए टू को बाद में लिखिए, इस तरीके से आप इसे पूरा कर सकते हैं। यानी यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स, उनको जोड़ दीजिए एक दूसरे को कॉम्बिनेशन में ले लीजिए, बना दीजिए एक बड़ा सम, तो उसे हम कहेंगे यूनियन ऑफ सेट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखें इंटरसेक्शन की बात करें। आपने यूनियन का साइन देखा था, जस्ट उसके अपोजिट होता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन में भी वही प्रोसेस करेंगे कि मान लीजिए आपके पास ए है और इसमें एक दो तीन चार आपके पास एलिमेंट है, और बी आपके पास कोई एक दूसरा सेट है दो चार, दो ही एलिमेंट है। तो अब बताइए इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होगा। तो देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करूं तो साइन होता ही है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट होगा कॉमन लेना। इंटरसेक्शन का मतलब यह सीधा सीधा कॉमन लेना। तो देखें इसमें टू और फोर और इसमें भी टू और फोर, तो दोनों में जो कॉमन होगा उसे हम यहां, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप भी निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन सेट में क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो सेट आपको दिए गए उन सेटों में देखिए कॉमन क्या है और उसे लिख दीजिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये होगा, ठीक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। हाँ एक और चीज, अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट लग जाता है इसके ऊपर, देखिए कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है ये डैश थोड़ा सा, तो अगर मान लीजिए किसी ने ये कहा कि सर ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, क्या निकालिए ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए करना ये होगा आपको कि यू माइनस ए करना होगा, आएंगे तो मैं डिफरेंस में आपको बता दूंगा कि डिफरेंस किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है नेक्स्ट इसी में आने वाला है। देखिए यू में क्या होगा कि जो भी ए और एलिमेंट जो होंगे वो जो मिल रहे होंगे वो हट जाएंगे बाकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसमें क्या है लॉ ऑफ सेट की बात है। लॉ ऑफ सेट में आपके फोर्थ टाइप लॉ इसमें अवेलेबल है आपके इस सेट थ्योरी में। देखें सबसे पहला काम ए यूनियन ए हमेशा ए होता है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसे हम जो कहते हैं एडम्पटन कहते हैं, ठीक है। अभी क्रम यानी कम्युनिटेटिव लॉ की बात करें तो कम्युनिटेटिव लॉ में क्या होता है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए होता है, ठीक है। साहचर्य की अगर हम बात करें, साहचर्य की बात करेंगे तो देखिए ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी होता है, बट इसमें क्या होता है ए यूनियन बाहर वाले जो एक साइड लिख जाते हैं ये ए यूनियन बी और सी जो है बाहर हो जाता है। तो ये पहला लॉ हो गया, ये आपका दूसरा लॉ हो गया, आपका चौथा लॉ हो गया, ठीक है। ये चार लॉ आपके लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि आपके इससे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आपको ये आने चाहिए। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता हो भले इनसे, मगर आपका जो है कॉम्पिटिशन लेवल में आपका इनसे 101% क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और आपके एग्जाम में है ये अच्छे, तो आपको ये पूरे ये लॉ जो है आपको, ठीक है। पहला लॉ रिडेम्पशन एडम्पटन और दूसरा कम्यूटेटिव, तीसरा एसोसिएटिव और चौथा आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। ये चारों लॉ आपको आने चाहिए, किस लॉ में क्या कंडीशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए, यानी कि इसे आप रट लें, क्या कर लें रट्टा मार लें भाई, रट लें, ठीक है इसे आप रट लें। नेक्स्ट डिफरेंट ऑफ टू सेट, देखिए डिफरेंट ऑफ टू सेट जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, मान लीजिए आपके पास ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी आपको निकालना है, इसे कहते हैं डिफरेंट ऑफ सेट। अब डिफरेंट ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपके पास ए है कोई एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, क्लियर, और आपके पास बी है कोई दो चार छह, ये आपके पास बी है कोई। अब आपको निकालना क्या ए माइनस बी, तो जब ए माइनस बी आप निकालेंगे तो
मिल रहे होंगे, बी वाले जो एलिमेंट मिल रहे होंगे उन्हें हटा देंगे, उन्हें इस सेट से हटा देंगे, बाकी को जैसे के तैसे लिख देंगे। जैसे देख लीजिए 1 2, तो 2 मैच कर रहा है, 2 को नहीं लिखेंगे भाई, 2 हटा दिया, क्या लिखा 3, ठीक 3 हो गया। 4 मैच कर रहा है, देखिए 4 मैच कर रहा है, तो 4 को हटा देंगे, क्या बचाएगा आपके पास 5। 6 मैच कर रहा है, 6 को हटा देंगे, अब क्या बचा आपके पास 7 और 8। तो इस तरीके से आपका जो a माइनस b बनेगा वो क्या रहेगा, a माइनस b रहेगा 1 3 5 7 और 8, ये रहेगा आपका a माइनस b, ठीक ये रहेगा आपका a माइनस b। अब देखिए a माइनस b तो है ही है, अगर मैंने यहाँ कह दिया कि कॉम्प्लीमेंट लगा दिया a का कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है भाई, थोड़ा सा ऐसे डैश जो आता है ऊपर उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का साइन ये होता है कि u माइनस a होगा, इसका मींस ये, इसका मींस क्या है, u माइनस a होने वाला है। जब ये u माइनस a होगा तो आपको करना ये होगा कि पहली प्रॉपर्टी यहाँ u की लिखनी पड़ेगी, यानी u सेट आएगा और माइनस का a सेट आएगा, ठीक है। अब जो दोनों के एलिमेंट मिल रहे होंगे, यानी कि u में a के एलिमेंट जो मिल रहे होंगे वो हट जाएंगे, तो यहाँ पर जो बचेगा वो u के बचे हुए एलिमेंट लिखे जाएंगे, जैसे मैंने पहले ऊपर करा दिया है। तो इसी तरीके से u कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हैं। अगर कोई आपका डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ऑर्डर पेयर ऑफ सेट। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर का मतलब समझ लीजिए कि जैसे मैंने कहा, ऑर्डर पेयर का मतलब क्रम से चलना, ठीक है। क्रम से चलने के लिए आप समझ लीजिए कि मेरे पास मेरा नाम जब भी लिया जाता है, यानी सुल्तान, आप समझिए सुल्तान सर के पिता, सुल्तान सर के पिता, तो जब भी ऑर्डर पेयर की बात आएगी तो मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा, सुल्तान सर कॉमा पिता, राइट, इस तरीके से लिखूंगा, यानी इसे ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, तो सुल्तान सर के पिता। जैसे मैंने कहा ए के पिता बी हैं, तो आप क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लिखेंगे, ए कॉमा बी लिखेंगे, ठीक है। क्या ऐसा संभव है इसके एक्सचेंज करने, उल्टा तो कभी संभव नहीं है ना भाई, उल्टा संभव नहीं होगा, ये कभी संभव नहीं हो सकता, इस तरीके की प्रॉपर्टी। तो ऑर्डर पेयर में क्या रहेगा कि सिंगल, जैसे मान लीजिए भारत की राजधानी की बात करें, तो भारत की राजधानी क्या होगी, भारत की राजधानी दिल्ली होगी, दिल्ली होगी, तो उल्टा कभी संभव नहीं हो सकता, दिल्ली भारत की राजधानी, ऐसे मैंने लिखा, देखिए भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, ये दिल्ली जो है राजधानी है, क्या है राजधानी, तो क्या राजधानी कभी देश बन सकती है, नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती भाई, देखिए दिल्ली कभी देश बन सकता है नहीं, भारत की जगह कभी नहीं ले सकता, तो इसी वजह से कहते हैं ऑर्डर पेयर। तो समझ लीजिए कि जो ऑर्डर पेयर होता है वो होता है ए कॉमा बी, यानी कॉमा इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि जिससे इसका रिलेशन है, तो ये इस तरीके से ए कॉमा बी और बी कॉमा ए होगा, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो आपको कहेगा सी डी राइट है, बट डी सी गलत है, तो आप इस तरीके से ऑर्डर पेयर समझ लीजिए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि आपके पास ए है कोई, क्या है ए, इसका एलिमेंट है 1 2 3, और आपके पास बी कोई एलिमेंट है जिसका बी कोई सेट है, उसका है आपके पास 4 एंड 5 ले लीजिए, ये है आपके पास, दो सेट आपके पास अवेलेबल है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है ए क्रॉस बी, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझ लीजिए, इस वन को पकड़िए और इन सब के साथ ऑर्डर पेयर में रख दीजिए, जैसे कि 1, 4, ठीक है, और 1, 5, ये हो गया। अब इस 2 को पकड़िए, इनके साथ रख दीजिए, कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा, 2, 4, 5, ठीक है। अब इस 3 को पकड़िए, 3, 4 और 3, 5, ये होगा आपका ऑर्डर पेयर, ठीक है, ये होगा आपका ऑर्डर पेयर, और ये रहेगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ये रहेगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है, सीधा संबंध है, दो सेट जो होते हैं, पहले सेट के एलिमेंट्स को पकड़िए, दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर में रखते जाइए, वही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ओके। अब देखिए रिलेशन ऑफ सेट क्या होता है, रिलेशन ऑफ, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि दिल्ली कभी भारत की राजधानी, सॉरी भारत की राजधानी है दिल्ली, बट दिल्ली कभी देश नहीं बन सकता, यानी भारत की जगह कभी नहीं ले सकती,
दिल्ली के साथ जो भारत का संबंध है वो क्या है, दिल्ली के साथ जो भारत का संबंध है वो क्या है, एक राजधानी का और दूसरा एक राज्य का, यानी कि भारत का एक राज्य भी है और एक राजधानी भी है, तो हम इसे भारत के साथ दिल्ली के रिलेशन कह सकते हैं। इसी पोजीशन में, इसी पोजीशन को मैं कह देता हूं, भारत को कहता हूं ए और राजधानी यानी कि दिल्ली को कहता हूं बी और जो रिलेशन है उसे कहता हूं आर, यानी कि इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं कि यदि अगर आपके पास ए रिलेटिव टू बी है, ए रिलेटिव टू बी है तो इस पोजीशन को कहेंगे ए रिलेशन टू बी, यानी कि ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है। ऐसे ही हम देखेंगे कि आपके पास कोई एक सेट दे रखा है, यानी आपके पास कोई सेट है 2, 4, 6 कोई सेट है इस तरीके से, और एक कोई रिलेशन सेट है, एक कोई रिलेशन सेट है 1, 2, 3 ये कोई रिलेशन सेट है। तो आप समझ लीजिएगा सबसे पहला काम ये रहेगा रिलेशन में कि आपको ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस ए कर लेना है, जो भी आएगा व्हाटएवर जो भी आए, आपको ये ध्यान रखना है कि ए क्रॉस ए में अगर आर सेट के सारे एलिमेंट मिल जाते हैं, यानी इसके सारे एलिमेंट इस सेट में मिल जाएं, तो आप ये कहेंगे कि जो रिलेशन सेट है वो यूनिवर्सल रिलेशन है। कैसा है? यूनिवर्सल रिलेशन है, सारे के सारे एलिमेंट मिलने पर। अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिलता है तो आप उसे कहेंगे इम्प्टी रिलेशन है। क्या है? इम्प्टी रिलेशन। तो आपके रिलेशन के टाइप कितने हुए? आर दो प्रकार के होते हैं, पहला इम्प्टी, दूसरा यूनिवर्सल। आपके सिलेबस के यही है, वैसे होते हुए बहुत हैं, आपके सिलेबस में यही है। अब ये कहेंगे सर कैसे करें, तो क्वेश्चन सॉल्व की बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सेट है ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट 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 14 तक, क्लियर। और यहां पर मैंने कहा आपके पास कोई रिलेशन सेट है, क्या है आपके पास रिलेशन सेट, एक्स कोमा वाई, ठीक है, सच दैट यहां पर आएगा 3x-y = 0, ओके। और आपका कहना यह है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स और जो है ए आपके बिलोंग कर रहे हैं किसमें, ए में। यह ध्यान दीजिएगा बिलोंग करने का साइन है, बिलोंग का मतलब ये होता है कि आप किसी के अंदर है। जैसे समझ लीजिए कि जैसे मैंने ये कहा कि ए बिलोंग्स टू बी, तो यानी ए के जितने भी एलिमेंट है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो यहां पर मैंने कहा ना एक्स और वाई क्या बिलोंग्स टू ए, तो यानी का मतलब यहां पर सीधा सीधा है एक्स और वाई के जो एलिमेंट है वो ए के हैं, ए के अंदर से लिए गए हैं, ठीक, ओके। तो अब सिंपल सा फंडा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसके एलिमेंट ए के अंदर ही बिलोंग कर रहे हैं। अगर इसके ये कंडीशन नहीं दी होती तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाल लेते, और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद हम रिलेशन सेट बना लेते और रिलेशन सेट के एलिमेंट को उसके अंदर देखते कि हैं या नहीं है। सिंपल, अगर होते तो यूनिवर्सल हो जाता, अगर नहीं होते तो इम्प्टी हो जाता, और कुछ मिल जाते कुछ नहीं, कंडीशन में उसे केवल रिलेशन कहते कि इसका ऐसे रिलेशन है। अब यहाँ पर देखेंगे हमने क्या यहाँ पर किया कि इसका वन उठा के देखा, तो जब मैंने वाई मतलब एक्स इक्वल टू वन रखा तो वाई इक्वल टू मुझे क्या मिला, 3। एक्स इक्वल टू वन तो वाई इक्वल टू 3। अब मैंने रखा एक्स इक्वल टू टू तो वाई इक्वल टू 6। सॉरी एक्स इक्वल टू टू तो वाई इक्वल टू 6। एक्स इक्वल टू 3 तो वाई इक्वल टू 9। एक्स इक्वल टू 4 तो वाई इक्वल टू 12। और एक्स इक्वल टू जैसे ही मैंने 5 रखा तो वाई इक्वल टू 15 मिला। देखिए इस वाले कंटेंट को देखिए थोड़ा सा, इसमें क्या कह रहा है वाई इक्वल टू 15, क्या सेट के अंदर है, नहीं है, और कंडीशन क्या लेके भेजा उसने, तो देखिए ए के अंदर होने चाहिए। तो जब ये कंडीशन बनेगी तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास जो सेट बचेंगे वो केवल एलिमेंट बचेंगे वो ये रहेंगे चार। अब इन चारों से आपने बनाया एक रिलेशन सेट, रिलेशन सेट बनाया आपके पास, बना क्या 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। क्या देखिए इस सेट में इसके सारे एलिमेंट हैं, इसके इसमें एलिमेंट हैं। देखिए आप देखेंगे तो जब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करने बैठूंगा, तो देखो ए क्रॉस ए करूंगा, सिंपल सा फंडा है, ए क्रॉस ए करने पर एक भी मिल जाएगा,
दो का दो भी मिल जाएगा, तीन का तीन मिल जाएगा, और एक तीन के साथ भी होगा, यानी कि इसके सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, इसके सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, तो जो ये रिलेशन रहेगा वो यूनिवर्सल रहेगा। कैसा रहेगा? यूनिवर्सल रहेगा, यूनिवर्सल रहेगा, ठीक है सर। यानी कि आप देख पाएंगे कि इसके ए क्रॉस ए में इसके सारे के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। ये पर करना नहीं होगा, ये पर करना नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। आपके में जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा क्या, देखिए तीन कंडीशन आपसे पूछेगा आपके क्वेश्चन कि आप बताइए सबसे पहला काम कि क्या ये रिलेशन तुल्यता है, इक्वलेटरल है, इक्वलेटरल नहीं होता वो, इक्वलेंस होता है, इक्वलेंस रिलेशन है तो तुल्यता है। तो अब देखिए इक्वलेंस बताने के लिए आपको करना होगा क्या, रिफ्लेक्सिव देखना होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और तीसरा जो होगा आपके पास ट्रांजिटिव। ये तीनों कैटेगरियों को आपको देखना होगा कि ये तीनों पास कर रही हैं कि नहीं। अब इन तीनों की कैटेगरी अलग अलग है, इन तीनों की कैटेगरी क्या है, देखिए इन तीनों की कैटेगरी है कि अगर ए रिलेटिव है बी से तो ए रिलेटिव होना चाहिए ए से, ठीक है। यहां पर ए रिलेटिव है बी से तो यहां पर बी रिलेटिव होना चाहिए ए से, यहां पर उल्टा है, ए रिलेटिव है बी से और बी रिलेटिव है सी से, तो यहां पर आपका होगा ए रिलेटिव होना चाहिए सी से। तो ये पोजीशन आपके पास होगी तीनों, और जो इन तीनों कैटेगरियों को पास करेगा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका सेट, रिलेशन, रिलेशन। अब देखें क्या कह जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने रिलेशन सेट बनाया था, यहां पर पीछे रिलेशन सेट बना था आपका, देखिए पीछे क्या रिलेशन सेट बना था, एक तीन दो छह, एक तीन दो छह तीन नौ चार बारह, ये आपका रिलेशन सेट बना था। जब भी ऐसी पोजीशन बनेगी फिर रिलेशन सेट इस तरीके से आएगा, तो उसमें ध्यान रखना कि ए के यानी कि पहला जो ऑर्डर पेयर होगा उसमें पहले सारे एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, डोमेन, यानी एक दो तीन चार आपके क्या आएंगे, डोमेन होंगे, क्या कहलाएंगे, डोमेन। अब इन्हें मैं बता दूंगा डोमेन कैसे किसे कहते हैं, अभी बात करेंगे इसमें, बट ध्यान रखिएगा दूसरे जो एलिमेंट रहेंगे वो रहेंगे आपके रेंज, क्या रहेंगे, रेंज रहेंगे, इन्हें हम रेंज कहेंगे। रेंज क्या होंगे, तीन छ नौ और बारह, ये आपके रहने वाले रेंज। अब डोमेन और रेंज क्या होते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए एंड बी, ठीक है, सेट है ए एंड बी और इन पर कोई रिलेशन काम कर रहा है, क्या कोई रिलेशन काम कर रहा है, यानी कि ए ये है और बी ये है, इन पर रिलेशन काम कर रहा है 3x - y = 0, ये तो मैंने यहां पर 1 डाला था तो मुझे क्या मिला था 3, और यहां पर मैंने क्या डाला था 2, तो यहां पर मुझे मिला था 6, और यहां पर डाला था मैंने क्या 3, तो यहां पर मिला था 9, यानी कि हर एक एलिमेंट एक से टच था, ठीक है। ऐसी पोजिशन पर जो एलिमेंट हमें फंक्शन, जो एलिमेंट हमें रिलेशन में डाले जाते हैं, जो एलिमेंट रिलेशन में डाले जाते हैं उन्हें हम डोमेन कहते हैं, क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। और जो हमें रिजल्ट आउटपुट होता है, जो हमें रिजल्ट आउटपुट, क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब बच्चों का कहता है कि सर बता दीजिए इसमें कोडोमेन क्या होगा, क्या होगा कोडोमेन क्या होगा, इस कंडीशन पर हम क्या बात करेंगे, देखिए कोडोमेन के होने के लिए, इस सेट को कोडोमेन होने के लिए इसमें एक भी अगर एलिमेंट आपका रह जाता है, यानी 5-6 एक एलिमेंट है इनकी मैपिंग इससे नहीं हो रही है, यानी कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे कोडोमेन के एलिमेंट जो मैप ना हो किसके साथ, डोमेन के साथ, अगर डोमेन के साथ मैप नहीं होते हैं तो पूरा सेट क्या कहलाता है, आपको कोडोमेन कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर बी में कुछ एलिमेंट रह जाते हैं जो कि डोमेन के साथ मैपिंग नहीं कर पाते, यानी कि डोमेन के साथ नहीं मिल पाते, तो वो आपका कोडोमेन हो जाएगा, क्लियर। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आटा चक्की है, यहाँ पर कोई आटा चक्की है और इस पार्ट में आपने गेहूं डाला, यहाँ पर क्या डाला, गेहूं, आपने क्या डाला, गेहूं, और यहाँ पर क्या मिला आपको, आटा मिल गया, आटा मिल गया। तो पहले तो ये समझ लीजिए गेहूं जो है डोमेन है, जो कि मशीन में डाला तो ये आपको डोमेन है, क्या है, रेंज है। बट अगर इस रेंज के कॉलम में एक भी गेहूं ऐसा बच गया जो पिसा नहीं, एक भी गेहूं का दाना ऐसा बच गया जो पिसा नहीं, तो ये जो है वो कोडोमेन हो जाएगा, हो जाएगा कोडोमेन हो जाएगा। सेम यहां पर
कि एक भी एलिमेंट अगर ऐसा रह गया जो इससे मैप नहीं हो, यानी कि जो फंक्शन की प्रक्रिया में नहीं आया हो, तो वो आपका जो रहेगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन और कोडोमेन क्या होते हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा होल सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, हमें आप जो है आपका टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर।